नवरात्रों का खाना, व्रत का खाना किसे पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है, लेकिन बनाना नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है। अगर घर में मम्मियाँ हों तो बहुत इजी हो जाता है कि हाँ फरमाइश कर दो बन जाएगा, बट बनाना नहीं आता अगर खुद को बनाना पड़े तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, होप आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ले ली है मूली, और साथ में मूली है पत्ते, पत्तों को हमें फेंकना नहीं है, एकदम हरे हरे पत्ते हैं, बहुत अच्छे ताज़े पत्ते हैं। इनको मैं अलग कर लूँगी काट के, इसका मैं कुछ और बनाऊँगी। इसका जो मोटा हिस्सा है उसको निकाल के सिर्फ पत्तों वाले हिस्से को बारीक बारीक काट के मैं अलग कर लूँगी कुछ और बनाने के लिए। ये मैंने मूली को अच्छे से पहले इसको पील ऑफ कर लेंगे, और इसे कर लेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करके जिस भी बर्तन में आपको आटा गूंदना है उसमें आप थोड़ा सा मूली ले लीजिए, उसी मूली में आप कुट्टू का आटा ऐड कर दीजिए। और यहाँ मैं साथ में ऐड कर रही हूँ सिंघाड़े का आटा, ये ऑप्शनल है बट आप ऐड करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है, बिकॉज कुट्टू बहुत गर्म होता है और ये सिंघाड़े का आटा उसे बैलेंस कर देता है और टेस्ट भी इन्हेंस करता है। इसी में हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो भी नमक आप खाते हैं, और काली मिर्च ऐड करके इसको आटे का डो बना लेंगे। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज मूली अपना पानी अपने आप छोड़ देगी। आटा गूंद के रेडी कर लेंगे, और ये साथ में मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, ये आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये आटा रेडी है तो अब इसका हम पेड़े बना लेंगे, और इसको बेलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का पॉलीथीन ले लिया है, जो भी हमारे कपड़े पैक होके आते हैं उसी पॉलीथीन को आप यूज़ करिए इजीली। इसमें दोनों साइड हल्का हल्का घी लगा के पेड़ा बीच में रख दीजिए, और सेकंड साइड से इसको बंद करके, इसकी लेयर से, पॉलीथीन की लेयर से बंद करके, इसके ऊपर से हम इसको हल्का हल्का हाथ से फैलाएंगे, एकदम तेज़ हाथ से नहीं, हल्के हल्के हाथ से ही इसको फैलाएंगे, क्योंकि इसे कॉर्नर्स टूटने लगते हैं, बट फिर भी ये बहुत अच्छा बनेगा। हल्के हल्के हाथ से इसको फैलाइए, बहुत पतला नहीं करना है, अदरवाइज ये बहुत टाइट टाइट बनेगा, थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसको ताकि ये अच्छे से बन जाए। अब ये मेरी हो गई है रोटी रेडी। अब इसको हम तवा, मैंने, मेरा गरम है, मैं यहाँ पे नॉनस्टिक की तवे का यूज़ कर रही हूँ, तवा गरम है एकदम। अब मैंने इसके ऊपर रख दिया है मेरी रोटी को। अब साइड में मैं हल्का हल्का इसके घी डाल दूंगी, और इसको आप मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको, ना ही तेज़ पे, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, बिकॉज इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा बनाते हैं इसको ताकि ये अंदर से भी पक जाए, इसीलिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, और बीच बीच में पलटते रहना है, और इस पर दोनों साइड हम हल्का हल्का घी लगा देंगे। ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, पकने लगा है, इसको अच्छे से हम पकाएंगे, अंदर से ये कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए। अब ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए, आप इसको बटर रख के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगता है आलू की सब्ज़ी के साथ, थोड़ा क्रिस्पी बनता है, सॉफ्ट बनता है, अच्छा लगता है। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पॉलिथीन वाला आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाय।